आ गए सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर क्या बोला है इस बार। एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये रहा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल डी स्मॉल डी, जीनोटाइप है प्लांट का, कंप्लीट लिंकेज का केस है बोल दिया है, विथ ऑल द फोर जीन, मतलब ये चारों ही जीन अपने आप में कंप्लीट लिंकेज दिखाते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो अरेंजमेंट पता चल ही नहीं रहा है, कैसे लिखेंगे? तो देखो इस केस में अगर ऐसा लिख के नहीं दिया, ऐसे उसको यहाँ पे क्या लिख के देना चाहिए पता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से उसको लिख के देना चाहिए, लेकिन लिख के नहीं दिया ना, तो तुम क्या करोगे इस अरेंजमेंट से खुद ऐसा लिखोगे पता है कैसे? तुमको इसके ऐसा लिखने के लिए क्या करना होगा, इस हर जीन में पहला वाला जो लेटर है, सुन रहे हो गौर से सुनना, पहला वाला जो लेटर है हर एलिलिक पेयर ऑफ जीन में, पहले वाले लेटर को लाइन के एक तरफ लिख दोगे और दूसरे वाले लेटर को लाइन की दूसरी तरफ लिख दोगे, तुम्हारे सामने अरेंजमेंट तैयार हो गया। अब इस अरेंजमेंट को तुम क्या बोलोगे, नसिस बोल सकते हो ना ट्रांस बोल सकते हो, क्योंकि ये डोमिनेट थोड़ी है, मगर जो भी है है, जो भी है अगर ओवरऑल बोलना पड़ेगा तो ओवरऑल हम इसको सिस बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखो ज्यादातर डोमिनेट एक तरफ है, ज्यादातर रिसेसिव एक तरफ है, बस इस केस में क्या है कि ये होमो जाएगा सर, मगर इन तीनों के लिए तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो ऐसा तुम लिख सकते हो। कैसे? हमने बताया कि हर एलिलिक पेयर का पहला लेटर लाइन की एक तरफ और दूसरा लेटर लाइन की दूसरी तरफ लिखते चले जाओ तो अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीन है कंप्लीट लिंकेज का केस है, चारों ही जीन क्या कर रहा है, शो कर रहा है कंप्लीट लिंकेज, चारों जीन मतलब ये। देन फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ इट्स गैमेट, तो इसके गैमेट का जीनोटाइप बताइए। एक्चुअली पॉलन ग्रेन क्या होता है, प्लांट के अंदर का गैमेट, और जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है मेल में, वैसे प्लांट में मेल फ्लावर का गैमेट पॉलन ग्रेन होता है, तो उसका गैमेट बताइए, गैमेट का जीनोटाइप बताइए। क्या बोलो जी तुम दोनों? हाँ सर, गैमेट बन गया सर। क्या? दो टाइप का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वाला ऊपर में जो, ऊपर में जो एक गैमेट ये हो गया और नीचे में जो एक गैमेट ये हो गया, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज का केस है। इस क्वेश्चन में बिना पेन पेपर उठाए सोच लेना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो बना हुआ यहाँ पे बना हुआ दिख गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब तो फिर इनकम्प्लीट लिंकेज आ जाएगा, तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में इनकम्प्लीट लिंकेज लेंगे और फिर कॉन्सेप्ट को बहुत आगे बढ़ाएंगे लिंकेज में, ठीक है। टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग, ठीक है। तो इतना बात तुम लोग करके आना, नोट से पढ़ के आना, फोटोसिंथेसिस का होमवर्क बना के आना, फोटोसिंथेसिस का पूरा होमवर्क बना लेना, जल्दी से 2 दिन में फोटोसिंथेसिस का होमवर्क बनाओ ताकि हम जेनेटिक्स का होमवर्क दे पाए मॉड्यूल से। अभी एनसीईआरटी में जेनेटिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है, अब आगे एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट शॉर्ट में दे रखा है, मेंडल तक ठीक से दिया है, आगे से तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट मारा है वो, ठीक है। तो चलो मीटिंग खत्म करते हैं, करें? हाँ सर, ठीक है।